Assalamu alaikum, dear students. This is Mohammad Naveed Jaffer, your mathematics instructor. जी तो बच्चों, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारा टॉपिक होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, और उसके बाद हम इंशाल्लाह तआला आज के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, और उसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, ताकि आप लोगों को लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए. तो सबसे पहले देखें, अगर आपके सामने एक फंक्शन, क्योंकि आज हमारी बात है लिमिट्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर, तो ये लिमिट्स की जो बात हम करने जा रहे हैं, लिमिट्स ऑफ फंक्शंस हो गई या लिमिट्स ऑन रिलेशंस हो गई, तो इसके ऊपर मैं आपको जो सबसे पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. आप सबसे पहले तो ये चीज देखिएगा कि मिसाल के तौर पे आपके सामने एक रिलेशन, एक फंक्शन आपको दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू. अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि डिस्कस द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन at x is equals to 2. So what's your decision about x is equals to 2? So आप लोग क्या समझते हैं कि x is equals to 2 पे इसकी क्या वैल्यू आ सकती है? तो देखें dear students, जब x is equals to 2 होगा तो ये तो श्योर बात है कि x माइनस टू जो है वो जीरो के इक्वल होगा. तो अगर इस कॉन्सेप्ट को लेके चले, तो यहाँ पे जब इसको नीचे आप उतारते हैं, तो अगर फर्ज करें आप कह देते हैं कि x प्लस टू, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो प्रोड्यूस हो रहा है जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप कर देते हैं x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ओवर x माइनस टू. सो रिमेम्बर दैट इस सिचुएशन में जब x टू के इक्वल हो, तो आप इस x माइनस टू को इस x माइनस टू से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास नॉट पॉसिबल के जुमरे में आता है. अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए, तो उस वक्त बेटा आपने जो आप कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, इस कॉन्सेप्ट को लेके आना है, उस कॉन्सेप्ट को हम लिमिट ऑफ द फंक्शंस कहते हैं. अच्छा, दोनों एग्जांपल्स में सेम रखूंगा, आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा. अच्छा, अब मैं कहता हूँ इन केस ऑफ लिमिट्स. अच्छा बच्चों, इन केस ऑफ लिमिट्स में क्या होता है, इस बात पे जरा गौर कीजिएगा कि इन केस ऑफ लिमिट्स क्या है. अगर मैं यही कहता कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, और यही क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू का बेटा आता, तो आप इसको क्या करते हैं? अब देखें, मैं यहाँ पे साइड पे आपको यही बात समझाता हूँ कि एज एक्स जो है ये टू को अप्रोच करता है. अब देखें, जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को अप्रोच करता है, तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो उसके इक्वल है. तो यहां से ये बात समझ में आती है कि x अप्रोचेस टू टू, इट मींस दैट आइदर x इज इक्वल्स टू 1.9 और x इज इक्वल्स टू 2.1, समथिंग लाइक दैट. सो ऐसी सिचुएशन में याद रखें कि x माइनस टू जो है वो फिर अगर अप्रोच का केस है, तो वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता. जब आप एक्स में से टू को माइनस करेंगे, दोनों केसेस आपके सामने, आप 1.9 रख के देख सकते हैं, आप 2.1 रख के देख सकते हैं. तो ये सिनेरियो के तहत जब हम यहाँ पे आते हैं, तो इसका ब्रेकआउट जो करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, तो बेटा इसमें हमारे पास ये बन रहा है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू. So, ऐसी सिनेरियो के अंदर हम इस x माइनस टू को इस x माइनस टू से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और बाकी लिमिट आप पुट करके रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली हासिल कर सकते हैं कि दैट विल गोज टू 4. तो सबसे पहले बेटा, उम्मीद है आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि लिमिट जो है वो क्यों जरूरी थी इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. मैंने आपको बताया कि जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर्स में प्रॉब्लम आता है, जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लिमिटिंग केसेस की तरफ जाया करते हैं. तो ये तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि आप उसके एग्जैक्टनेस के ऊपर उसकी बात नहीं करते, उसके नेबरहुड्स के अंदर, उसके करीब तरीन कोई वैल्यू को जज कर लेते हैं,
इस तरह से उसका लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, इसके बाद थ्योरम्स ऑन लिमिट्स की जब हम बात करते हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, तो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स के ऊपर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ और साथ साथ हम इसकी एग्जाम्पल्स भी करते जाते हैं कि थ्योरम्स ऑन लिमिट्स को किस तरह से हम डील करते हैं। एक नंबर है, कोई फंक्शंस का सम है, तो सबसे पहले मैं थ्योरम नंबर वन की बात करूंगा। आप देखिए बेटा, अगर आपकी बात हो रही है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एनी कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अच्छा ये प्लस और माइनस दोनों केसेस हो सकते हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, तो ऐसी सूरत में याद रखें कि लिमिट इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड लीनियर ऑपरेटर इज दैट ऑपरेटर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वहां पे वेरीफाई करता है, मींस दैट कि ये लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सम ए एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जो भी साइन हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और इसके साथ जो जी ऑफ एक्स है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो लिमिट है वो अलग अलग ऑपरेट हो जाती है इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर बेटा लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात होगी। इसी तरह मैं इसके बारे में जब कांस्टेंट की बात करूं कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लेट्स से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सम ए एंड सी टाइम एनी एफ ऑफ एक्स, फिर मैं इनकी कलेक्टिव एग्जांपल दे देता हूं आपको जब आगे मैं ऑपरेट करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ये होता है कि वो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाएगा इस लिमिट के ऑपरेशन से और बाकी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एंड एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आप लिमिट को अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मैं लेट्स थ्योरम थ्री की बात करता हूँ, उसमें मैं आपसे ये कहता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सम कांस्टेंट एंड एफ ऑफ एक्स इनटू जी ऑफ एक्स, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो दैट विल गोज टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने उन दोनों को जो फंक्शंस थे उनकी मल्टीप्लीकेशन को इक्वल लिखा उनकी लिमिट्स की मल्टीप्लीकेशन के, मतलब उनके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें जो रिजल्ट बने उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके आंसर्स जो है वो सिमिलर आ जाएंगे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं और इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ओवर g of x that is equals to limit x approaches to a, यहाँ पे बेटा f of x को हम अलग कर देंगे and g of x को हम अलग कर देंगे, sorry limit जो यहाँ पे मैंने apply करनी थी, एक f of x की limit ऊपर अलग हो जाएगी limit x approaches to a और ये समझ लें कि g of x के ऊपर मैंने limit apply कर दी, तो इस तरह के इसकी numerator के ऊपर जो limit है बेटा वो अलग से आ जाएगी और डिनोमिनेटर के ऊपर जो लिमिट है वो अलग से आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस लिमिट के कॉन्सेप्ट को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और हम एग्जांपल्स की मदद से आपको इस तरह से डील किया जा सकता है बाय एग्जांपल्स। अच्छा जी, डिफरेंट क्वेश्चंस हम करेंगे आपकी, आप उसको अपनी बुक से ले सकते हैं, जनरली आप उन क्वेश्चंस को रीड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट को जो है वो देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने अगर इन सारी चीज़ों को मुतारफ करवाने के लिए लिमिट का एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स, तो मैं उसकी बात करूँगा कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर हम लिमिट्स के ऊपर करते हैं तो हम किस तरह से उसको डील करेंगे। So, some practice questions. So, बेटा यहाँ पे हम कुछ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे लिमिट्स के। लो जी, सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स। सो बेटा इसमें मिसाल के तौर पे
मैं अगर आपसे ये बात करूं कि जी आप अभी हम उस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की बात में तो आते हैं, आपके पास जनरल जो लिमिट उसको मैं मल्टीप्लाई ऊपर करता हूं। तो मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि फर्ज करें बेटा आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एनी नंबर टू, और फर्ज करें इधर हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x और लेट्स प्लस 2 भी आप कर देते हैं, तो इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीजें जो डिफरेंट थ्योरम्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के थे वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू टू एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग से ऑपरेट हो गई। अच्छा ये बात हो गई, इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज करने के बाद माइनस 3 को एक साइड पे लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बेटा यहाँ पे 2, और हमारे पास देखें एक्स को के ऊपर लिमिट आएगी, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया, और प्लस 2 के साथ जब कोई कांस्टेंट जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो फिर किस तरह की लिमिट, ऑब्वियसली जब जिसकी लिमिट है वो वहां पे मौजूद नहीं है, यानी कि एक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। सो ये हमारे पास जो रिजल्ट पे आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो रिजल्ट आई थिंक सो ये बन रहा है 6 माइनस 6 दैट विल गोज टू 0। सो इसका जो लिमिटिंग केस है वो रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं कि दो डिफरेंट नंबर्स की दो डिफरेंट आपके पास जो आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाती है, तो उस सूरत में आपके पास क्या रिजल्ट बनता है आप वो भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल को ऐसी ले लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेट्स 1 कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अच्छा ऐसे देखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स के ऊपर अलग से आ गई, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1 के ऊपर अलग से आ गई। अब बेटा जब आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 2, सो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो गए इसके प्रैक्टिस के। अच्छा इसके साथ अगर कोई इस टाइप का हमारे पास सवाल आ जाता है, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं बेटा ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 एक छोटी सी एग्जांपल ली, हम एक नंबर 3 पे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लो बेटा मैं अगर आपसे ये कहूँ, फर्ज करें एक्स क्यूब और इसके साथ मैं रिलेट कर देता हूँ एक्स क्यूब माइनस 8 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, बेटा हम ले लेते हैं 2, और यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाय दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखें सबसे पहले आपने ये देखा करना है कि आया कि इस लिमिट के पुट करने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो मैंने जब इसको पुट करके देखा तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म को ब्रेकआउट करूं, 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। So, वो प्रोसेस करने के लिए बेटा मैंने ये देख लिया, अब बस इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के तहत सॉल्व करें यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो बेटा यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कीजिए, यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हियर वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, और ये जो एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब है, अगर एक स्टेप में आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई इसके फैक्टर्स बना लेते हैं मिड टर्म ब्रेक के तहत, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ पे आपके पास बेटा फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट विल गोज टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। लो जी इसको हम करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास आएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और ये बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज 4।
अच्छा डिवाइडेड बाय, देखिएगा डिवाइडेड बाय देखिएगा, यहां से x कॉमन तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 3, ये आ गया। अच्छा इसके बाद बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर है हमारे पास x माइनस 2 और नीचे है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और इसके साथ आ जाएगा x जो आपके पास बन रहा है प्लस 3। लो बेटा ये आ गया। अब देखिए यहां से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, बाकी में आप जैसे मैंने अभी आपको समझाया लिमिट्स को अलग अलग करके आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये बेटा आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो बेटा ये आपके पास रिजल्ट में बन जाएगा 12/5। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। आज के लेक्चर की जो आखिरी एक हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, आखिरी बात करने जा रहे हैं, उसकी तरफ मैं चलता हूँ और वो मैं आपको सिखाता हूँ कि वो क्या है। वो बेटा आपके पास आपने प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, जो आपने करना है वो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बेटा ये है प्रूव दैट, हम इसकी तरफ मूव करते हैं। लिमिट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और वो बेटा हमने प्रूव करना है कि थ्योरम है और हमने ये प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे इसको हम कह देते हैं ए और इधर आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अच्छा यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो कहते हैं इसको प्रूव करें एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। अच्छा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी इस थ्योरम के अंदर हम लेके चलेंगे, एन के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव, सो मैं दोनों केसेस को लेके चलूंगा यहाँ पे। मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट ये ले लेते हैं, और एक बात जैसे मैं हमेशा ये अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि एज जब ये कहा जाता है ना कि एक्स अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब हर ये होता है कि एक्स कभी भी ए के इक्वल नहीं है, तो फिर हम इसको इसके इक्वल नहीं मानते, तो फिर कोई छोटी सी वैल्यू प्लस या माइनस करने पे ये इसके करीब इक्वल हो जाएगा। तो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि एक्स जो है आपका वो सम लेट से दैट ए प्लस एच के इक्वल है। अब यहाँ पे एच जो है वो क्या है, एच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि ए एक्स जो है वो ए को अप्रोच करता है, बेटा यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए प्लस एच विच इम्प्लाइज दैट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ जाएगा। अब ये रिप्लेसमेंट आप ऊपर अपने इस क्वेश्चन में कीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट जहां x अप्रोच कर रहा था वहां h अप्रोच कर गया जीरो को, जहां x था वहां पे आपने a प्लस h कर दिया, पावर इसकी n थी, माइनस a रेज टू पावर n है और बेटा डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। अब देखें नीचे तो a से a कैंसिल हो गया, अब ऊपर तब तक आप कैंसिलेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक आप इस पावर को एक्सपेंड नहीं कर लेते, तो मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हुए कहता हूँ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो मैं एक बेटा यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हुए ये लिखूंगा, ये आ जाएगा लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, बाइनोमियल के तहत लिखूंगा फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम प्लस ये एन आ गया, फर्स्ट की पावर में बेटा एक कम कर दें, सेकंड की पावर में एक बढ़ा दें, प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, फर्स्ट की पावर में एक और कम कर दें और सेकंड की पावर में एक बढ़ा दें, प्लस ये सिलसिला आपका लास्ट टर्म एच रेज टू पावर एन तक जाएगा। अच्छा इसको क्लोज कर दें क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास ऊपर माइनस ए रेज टू पावर एन भी पड़ा हुआ है और सबसे नीचे एच है, तो मैं उसको वन ओवर एच लिख के एक साइड पे कर देता हूँ। लो बेटा अब आप देखेंगे कि ए रेज टू पावर एन इस ए रेज टू पावर एन के साथ कैंसिल हो जाएगा,
बाकी हर टर्म में आपके पास एच मौजूद होगा। तो बेटा मैं बाकी तमाम टर्म में से एच कॉमन लूंगा और इस एच से उसको कैंसिल आउट कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर एच और एच कॉमन ले ले, तो बाकी बेटा हमारे पास आ जाएगा एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर था, एक एच कॉमन आ गया, एक एच यहाँ पर रह गया, प्लस चलते चलते आखिरी टर्म एच रेज टू पावर एन थी, एक एच कॉमन आ जाएगा तो ये एच रेज टू पावर एन माइनस वन रह जाएगा। तो बेटा यहाँ से एच कैंसिल करने के बाद अब आपके क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन और बाकी सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी ड्यू टू एच जीरो, तो रिजल्ट आ गया एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। सो हेंस आपका ये प्रूफ हो गया। सो बच्चों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपने ट्यूटर मोहम्मद नवीद जाफर को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह तबारक तआला कल हम नए लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।